जिस समय संविधान लिखा जा रहा था जी, उस समय आरएसएस और एक बहुत बड़ा हिंदुवादी वर्ग इस कोर्ट बिल के खिलाफ था। हाँ जी, वो आज भी खिलाफ है। लेकिन वो आज तक हमारी महिलाओं को नहीं बताया जाता है। अभी इतना बड़ा मंच यहाँ पर सजाया गया, लेकिन बाबा साहब की इतनी सी भी प्रतिमा आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नहीं। बाबा साहब हमें इतनी बड़ी ताकत हिंदू कोर्ट बिल के जरिए देकर गए, हम उनके दिल से आभारी हैं। पूरा विश्व आज 8 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है। मैं हूँ इस समय गाजियाबाद में और मेरे साथ कुछ गाजियाबाद की महिला हस्तियाँ हैं जो लगातार मोटिवेशन दे रही हैं महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए, उनके अधिकारों को जागृत करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की स्थिति को देखा जाए तो भारत के अंदर कोई खास सुधार आज़ादी के बाद नहीं है। मैडम, मैं गलत तो नहीं हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैडम, क्या आप ऐसा मोटिवेशनल वक्तव्य देना चाहेंगी उन महिलाओं को जो आशावादी नहीं है या कहीं ना कहीं आपकी तरह इस पोजीशन पर नहीं पहुंची है, अपने परिचय के साथ? हाँ, मेरा नाम वंदना चौधरी है और मैं एनजीओ रन करती हूँ, गीतांजलि वेलफेयर, उसकी सचिव हूँ। देखिए, अभी आपने जो कहा कि नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे महिलाओं की स्थिति वो नहीं है, इससे हम भी लगभग 15 सालों से महिलाओं पे काम कर रहे हैं, पर जो राजनीति होती है महिलाओं पे टिकी होती है। वो मतलब जब वोट मांगने की बात होती है, सरकार बनाने की बात होती है, तो महिलाओं की बात करते हैं, आधी अधिकारों की बात करते हैं, आधी आबादी की बात करते हैं, पर जब आधे अधिकार और आधी आबादी की बात आती है तो उसको दरकिनार कर लेते हैं। आप राजनीति में, सबसे पहले अगर हम राजनीति में आधी भागीदारी नहीं देंगे, तब तक हम कैसे महिलाओं को हम सशक्त मानेंगे? तब तक हम किस तरह से कहेंगे कि महिलाएं की स्थिति सुधारे? आज चाहे वो प्लेन उड़ा रही हो, रेल चला रही हो, या मेडल जीत के ला रही हो, काफ़ी सुधार है। नहीं, अगर महिलाओं को और आगे नहीं बढ़ाएगा तो और आगे आने वाली जो स्थिति होगी वो शायद इतनी अच्छी ना हो पाए। मेरा सिर्फ यही निवेदन है सभी से कि हमारे प्रधानमंत्री भी महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ योजनाएं लेके आते हैं और कहते हैं कि महिलाओं की भागीदारी राजनीति में सुनिश्चित करें। उनके पतियों को, जो महिलाओं के नाम पे पति काम करते हैं और पत्नियों को घर में बैठे उनको ऑथराइज सिर्फ सिग्नेचर तक कर देते हैं, उसको दूर करें। महिलाएं तभी आगे बढ़ेंगी, जितनी संख्या है उसकी डबल होगी तुरंत, अगर जो सशक्त महिलाएं हैं उनको आगे लाया जाएगा। मैडम, क्या इस बारे में वक्तव्य आपका? क्योंकि महिलाओं के बारे में वास्तव में हमारी सरकार वास्तव में गंभीर नहीं है। सिर्फ आंकड़े हैं, सिर्फ नारे हैं, सिर्फ स्लोगन हैं। अगर सच में गंभीर हो तो हमारी महिलाओं के शोषण के जितने मामले आ रहे हैं उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी। हम उत्तर प्रदेश को ही लेकर चलते हैं तो उत्तर प्रदेश में सारे जिलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी, लेकिन केंद्र सरकार ने फंड की कमी दिखाते हुए उनको बंद कर दिया, उनको शुरू नहीं कराया। कमी कहाँ है? 10 करोड़ रुपये का तेल फूकने के लिए, बहाने के लिए है, लेकिन महिलाओं के जितने भी शोषण के केस हैं उनकी त्वरित 6 महीने में उन केसों का निपटारा हो, उसके लिए फास्ट ट्रैक जरूरी है। करोड़ों रुपए का एक फंड बनाया गया था जिसका के आज तक भी 3% भी महिलाओं के ऊपर खर्च नहीं हुआ। क्योंकि महिलाएं अपनी मांग, एक तो ये है कि महिलाओं के प्रति सरकार गंभीर नहीं है, दूसरे हम महिलाएं अपने अधिकारों की मांग कर नहीं पाती। थोड़ी कुछ महिलाएं घर से अब निकल कर आना शुरू हुई है, अपने अधिकारों की मांग करनी उन्होंने शुरू की है, लेकिन अगर सच में सरकार गंभीर हो, अगर राजनीतिक पार्टियां सच में गंभीर होंगी तो जरूर महिलाओं के लिए काम होंगे। अभी हाल में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने घोषणा की कि हम आगामी विधानसभा चुनाव में 33% टिकट महिलाओं को देंगे, और वो भी उन महिलाओं को देंगे जो फील्ड में खुद काम कर रही है, उनके पतियों को नहीं देंगे। आज मेरठ में बड़ा कार्यक्रम था जी, जयंत चौधरी जी का, हाँ, ऐसे नेता के ऊपर, लेकिन उसको स्थगित कर दिया गया। स्थगित प्रशासन द्वारा किया गया है कोरोना वायरस का डर दिखाकर, क्योंकि उनके साथ काफी लाखों की संख्या में रजिस्ट्रेशन हो चुके थे मैराथन के लिए। विजय चौधरी, आपको नहीं लगता कि अगर देश की एक जो बड़ी हिस्सा है महिलाएं हैं, अगर उनको हिंदू कोड बिल पढ़ाया जाए तो जो मेहनत आप कर रहे हैं वो मेहनत इतनी ना करनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदू कोड बिल के अंदर जो महिलाओं को अधिकार, संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, हिंदू कोड बिल पढ़ेंगी तो मुझे लगता है कि जल्दी ही वो अपने अधिकार को पहचान पाएंगी। हाँ, नहीं देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पर उसके लिए भी तो बहुत करना पड़ेगा ना, सिलेबस में भी लाना पड़ेगा, कुछ बुक्स भी लानी पड़ेगी, कुछ महिलाओं को जागरूकता के कार्यक्रम करने पड़ेंगे। सोशल महिलाएं जो काम कर रही हैं उतना फंड नहीं होता, सरकार अपना फंड यूज़ नहीं करती, और महिलाएं कहीं ना कहीं पूरी जानकारी ना होने की वजह से, जैसे कि अभी हमारी साथी रेखा चौधरी ने कहा कि अपने फंड्स मांग नहीं पाती, अपने अधिकार मांग नहीं पाती।
इसको तभी होगा जब हम पूरी जानकारी हमें लॉ की होगी, तभी हम अपने अधिकारों को मांग पाएंगे। उसके लिए हमें जरूर जागरूकता सेमिनार्स करनी पड़ेंगी। जी, हिंदू कोड बिल के अनुसार जो अम्बेडकर जी ने संविधान में महिलाओं को जो अधिकार दिए वो थे कि संपत्ति में अधिकार होगा, वसीयत में अधिकार होगा। जिस समय संविधान लिखा जा रहा था जी, उस समय आरएसएस और एक बहुत बड़ा हिंदूवादी वर्ग इस कोर्ट बिल के खिलाफ था। हाँ जी, वो आज भी खिलाफ है, लेकिन वो आज तक हमारी महिलाओं को नहीं बताया जाता है। अभी इतना बड़ा मंच यहाँ पर सजाया गया, लेकिन बाबा साहब की इतनी सी भी प्रतिमा आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नहीं। बाबा साहब हमें इतनी बड़ी ताकत हिंदू कोर्ट बिल के जरिए देकर गए, हम उनके दिल से आभारी हैं, और महिलाओं को वो सशक्त बना गए। लेकिन होता क्या है, महिलाओं के लिए कानून बनते हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे देश में इम्प्लीमेंटेशन उन कानूनों का होता है जिन पर दबाव बनाया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन होगा कब, जब महिलाएं, होगा तब जब महिलाएं सड़कों पर उतरेंगी, जब महिलाएं मांग करेंगी, जब महिलाएं संसद घेरेंगी। छोटी बेटी पैदा होती है उसके लिए फ्रॉक कपड़े आप लाते हैं, उसके लिए जींस, उसके लिए बाइक क्यों नहीं लाते हैं? आप छोटी सी बच्ची को ही कहना शुरू कर देंगे अरे तू लड़की है घर में रह। बिल्कुल, हमारी देखिए सामाजिक और सरकारी दोनों समाज की बात करती है, लेकिन आप महिला होकर महिलाओं के साथ इस तरह की वार्ता कैसे कर सकते हैं? सामाजिक और सरकारी दोनों स्तर पर हमें महिलाओं को आगे लाना है। ये चीज तो घर से शुरू करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, घर से ही शुरू करना है। हम अपने बच्चों को बराबर का दर्जा देते हैं, फ्रॉक और जींस दोनों ही पहनाते हैं। तो ये आप कुछ महिलाएं सभी देखे, मैं आज मैं बताऊं, बहुत सीनियर, अब मैं नहीं वो कौन थे बताऊंगी, वो कह रहे हैं महिलाओं को तो बांध के घर में रखना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अब पुरुषों की ऐसी मानसिकता है, हम किस किस को तो ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ आप काले झंडे क्यों नहीं निकालते? बिल्कुल दिखाते हैं, आंदोलन करने चाहिए, तभी करते हैं, पर उन्हीं की आंखों का नहीं करते, हम समर्थन करते हैं उनका, बिल्कुल नहीं करते। मुलायम सिंह ने एक, हाँ मैं बताती हूँ, मुलायम सिंह ने जब कहा था बेटों से गलती हो जाती है तो हमने प्रदर्शन किए थे, ज्ञापन दिए थे, कौन कहता नहीं करते। जब भी कभी किसी ने भी अगर इस तरह का एक मोबाइल पे, एक मोबाइल पे बैन लड़कियों उस पे जींस पे लगाया गया था, एक स्कूल में इंटर कॉलेज था, तब हमने उनके खिलाफ रिपोर्ट तक दर्ज कराई थी, हमें ज्ञापन भी दिए, ज्ञापन भी दिए थे। हम हमेशा विरोध करते हैं अगर किसी पुरुष कोई महिला के खिलाफ अगर चली, होता चली, चली, चली। ये हमारे देश की विकासशील महिलाएं, ऐसी महिलाएं रेखा और मिसेस चौधरी जैसी महिलाएं जब समाज में काम करने के लिए आगे आई हैं, तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब पितृसत्तात्मक समाज की सोच को बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके अपने विचार साझा करने के लिए।